नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सर आप सभी के सामने फिर से आ गया हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने हमें जो प्यार दिखाया, हमारे जो वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया एंड सब्सक्राइब किया, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक चीज़ों को बता देते हैं कि हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे परसेंटेज, उसमें दो क्लासेस हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। तो आज उसी सीरीज का ये हमारा तीसरा क्लास होगा और उसी के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने क्लास 2 में देख लिया था। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 31 नंबर से, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। तो आज का क्लास 3 का जो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 31, यहां अगर ध्यान दोगे तो आपके पास गिवन है कि इफ 75% ऑफ 480, यहां पर क्या गिवन है यहां ध्यान दो कि अगर आपके पास 75% किसका 480 का बराबर होगा क्वेश्चन मार्क इनटू 50। तो यहां पर बोला गया है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या, बहुत ही सिंपल, आपको ये चीज पहले भी हमने बता रखा है कि 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है। तो हम बोलेंगे ना कि परसेंटेज हटाते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या लगता है 100, यानी 25 से काटोगे 3 बार में और 25 से काटोगे 4 बार में, यानी आप बोल सकते हो कि 75% का हमारा जो फ्रैक्शनल वैल्यू बनता है वो बनता है 3/4। तो हम क्या करेंगे कि 75% जो लिखा है उसको हम क्या लिख देंगे 3/4। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 3/4 ऑफ 480 इक्वल्स टू एक्स इंटू 50। अब यहां पर ये जस्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 4 से अगर हम कट करें इस 480 को, कितने बार में कट जाएगा 120 टाइम्स। और यहां पर 15 से कट करें तो ये 120 कितने बार में कट हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 × 8, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो बताओ यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होता वो क्या होता, ऑप्शन नंबर सी यानी 24, है ना। तो ये जस्ट आपका एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन डाला गया था कि आप कितने जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पर। देखो ये क्वेश्चन जनरली हम लोग क्लास 1-2 में भी देखा था, बस इसमें ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट डेटा को इसमें थोड़ा सा बदल दिया गया है। और यहाँ पर जो डेटा लिया गया है डेसिमल वगैरह में लिया गया है। यहाँ पर देखो क्या बोला है कि एक परीक्षा में यहाँ उम्मीदवारों ने या तो साइंस यानी विज्ञान, या तो आपका सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, या दोनों लिया है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का चॉइस बता दिया कि हो सकता है कोई कैंडिडेट साइंस लिया हो, कोई सिविक्स लिया हो, या फिर कोई ये दोनों सब्जेक्ट्स लिया हो। यहां पर डेटा दे रहा है कि 65.8% टुक साइंस, यानी कि साइंस लेने वाले कितने कैंडिडेट हैं, तो आप बोलोगे 65.8%, ठीक है। आगे देखो एंड 59.2% टुक सिविक्स, और सिविक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट थे यानी कितने कैंडिडेट्स थे, तो आप बोलोगे ना 59.2%। तो आप यहां पर परसेंटेज चैप्टर में स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि जब कोई डेटा आपको नहीं पता हो यानी कि इसमें टोटल कैंडिडेट्स हैं कितना, तो टोटल का मतलब हमने क्या बताया था कितना परसेंट लेना, तो आप बोलोगे 100%। तो आप यहां सोचो तो यहां पर अगर साइंस ले लिया इतना परसेंट, सिविक्स ले लिया इतना परसेंट, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 125%। तो आपके माइंड में इस तरह का क्वेश्चन आया होगा
कि हमने बोला था कि टोटल हमारा 100% होता है और यहां पर सिर्फ साइंस और सिविक्स को मैंने जोड़ा तो ये कितना परसेंट आ गया, 125%। यानी कि 100 से जितना ये जो ज्यादा आया ना, ये ज्यादा क्यों आया, क्योंकि ये वो कैंडिडेट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स यानी साइंस और सिविक्स दोनों लिए हैं। यानी जितना ज्यादा होंगे उतना वो दोनों का डेटा निकल जाएगा। तो आप बताओ, तो 125% जो आया आपका, इसको हम घटा देते हैं किससे, 100% से, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 25%। और ये जो 25% होगा, ये कौन कैंडिडेट होगा, जो दोनों सब्जेक्ट्स लिया है यानी बोथ सब्जेक्ट लिया है। अब आगे देखो तो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाज 2000, यानी कि टोटल जो कैंडिडेट है, टोटल स्टूडेंट जो है वो दे रखा है कि 2000 है, तो आपको फाइंड करना है क्या कि इसमें हाउ मेनी टुक साइंस एंड सिविक्स बोथ, यानी कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। बताओ तो दोनों सब्जेक्ट कितना परसेंट लिए थे, 25%। तो क्या करोगे, इस 2000 का 25% निकाल दो। और ये भी आपको बता रखे हैं कि अगर किसी भी नंबर का आपको 25% निकालना है तो कुछ मत करना, सिंपल उस नंबर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो आपको अगर इसका 25% चाहिए तो 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, 500। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर बी, बी मीन्स बाहुबली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता 500, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और थोड़ा सा ये सब जो डेटा होता है, जैसे आपको हमने बताया कि अगर कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए किसी का 20% निकालना, तो अब आप क्या करोगे, कैलकुलेट मत करना, सिंपल उस नंबर को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा कितने परसेंट का, 20% का। अगर किसी नंबर का आपको 25% निकालना है तो सिंपल क्या करना, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अगर किसी का 10% निकालना है तो ये सारे डेटा हमने बता दिया था। मान लो कि 10% निकालना है किसका, तो एक नंबर हमने ले लिया 750 का। अब आप बताओ तो कि 10% का वैल्यू क्या होगा, तो हमने क्या बताया था, राइट साइड से, कहां से, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। यानी जैसे ही यहां डेसिमल लगाओगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% का 75। अब इस 10% से आपको कुछ भी पूछे जिसका परसेंटेज के यूनिट डिजिट पर क्या हो, 0, कहने का मतलब कि आपसे 20% पूछे या 30% पूछे, कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो। कैसे, तो 10% का वैल्यू आपको पता है 75, 10% से ये जो 20% है कितना टाइम्स दिख रहा है, तो बोलेंगे 2 टाइम्स। तो कुछ मत करना, सिंपल इस डेटा को भी 2 टाइम्स कर देना, यानी ये कितना हो जाएगा, 150। तो इसी तरह हम यूज करते हैं कि अगर कभी भी परसेंटेज पूछा जिसके यूनिट डिजिट पर, ध्यान देना हमने क्या बोला, जिसके लास्ट डिजिट पर 0 हो, यानी 20%, 30%, 40%, तो उस टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कौन सा परसेंट, 10%। क्योंकि 10% निकालने के बाद आपसे जो भी परसेंटेज पूछे, जस्ट उसका देख लेना कि वो कितना गुना हो रहा है, यानी कितना टाइम्स हो रहा है, तो इस वैल्यू में भी जो 10% का निकाला उसमें भी उतना ही गुना यानी उतना ही मल्टीपल्स कर देना। चलो नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। पूछा जा रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 है, तो इसके लिए क्या हम निकालेंगे क्या, तो नहीं, ये सब क्वेश्चन जब आता है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे कि
कि कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 हो, हम बोल देंगे ऑप्शन नंबर सी। अब आप सोच रहे हैं डायरेक्ट कैसे हुआ, तो आप बताओ, तो यहां पर आपको अभी हमने बताया 10% का वैल्यू, तो इसका 10% क्या होगा ऑप्शन ए का, तो हम बोलेंगे 3। आपको कितना परसेंट चाहिए था, 20%, यानी 20% मतलब कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। तो क्या जब आप 3 का 2 टाइम्स करोगे तो 10 आएगा क्या, नहीं आएगा, इस वजह से हमने नहीं लिया। तो हमने क्या लिया कि 50 को अगर हम 10% इस 50 का निकाले तो आप बोल सकते हो ना ये किसके बराबर होगा, 5 का। आपको निकालना कितना था, 20%, तो 20% मतलब कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो यहां से 2 टाइम्स कर दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखो रूल वगैरह बहुत सारा है ना, अभी हमने आपको बताया भी था कि अगर 20% निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो आप देखो तो किसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, आप बोलोगे 50। तो आप कौन से रूल को यूज कर रहे हो ये मैटर करता है एग्जाम में, है ना। चलो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 34। देखो इसमें क्या बोला गया है कि रमन का वेतन जो है 10% कम कर दिया गया, यानी कि हमारे पास रमन का इनकम है कितना ये हमें मालूम नहीं। अच्छा एक चीज इस क्लास 1 में भी बताया था कि जब भी कोई डेटा आपको नहीं पता है, यानी कि कोई भी नंबर कोई भी इनकम वो खुद का कितना परसेंट होता है, तो 100%। तो हम उसी तरह रिलेट कर लेते हैं कि रमन का कुछ इनकम था, यानी कितना था, 100%। अब बोला गया कि 10% कम कर दिया गया, यानी कि अब जो अभी का उसका इनकम होगा वो कितना परसेंट होगा, 90%। 10% यहां से हमने घटा दिया, तो आपने यहां पर जैसे घटाया वो तो 90 पे पहुंच गया, लेकिन फिर से पूछा कि अपने वेतन का मूल राशि पर वापस लाने के लिए, यानी कि रमन को अपने सैलरी जो कि पहले जो सैलरी था उस पर वापस जाने के लिए उसके सैलरी को कितना परसेंट से हमको बढ़ाना हो। तो देखो इसके लिए हमने 2 तरीका बताया, या तो आप डायरेक्ट बना सकते हो या फिर फॉर्मूले से भी बना सकते हो। अब देखो डायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं कि रमन का सैलरी अब है कितना, 90, इसको अगर अपने पुराना इनकम यानी 100 पर जाना होगा तो कितना बढ़ाना होगा, 10 बढ़ाना होगा 90 से ना। अच्छा ये जो 10 बढ़ाना है, इंक्रीज करना, कहां से इंक्रीज करना है, तो इस 90 से इंक्रीज करना है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100। तो जब हम यहां से डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 9, तो जनरली हम लोगों को प्रैक्टिस करते करते ये चीजें पता होता है कि जब आप 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, तो हम सिंपल बोलेंगे 11 होल 1/9%, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम में बैठ कर इसको डिवाइड करने लगना, क्योंकि यही टाइम होता है आपके प्रैक्टिस का, आपने प्रैक्टिस कितना किया है वो उस टाइम आपको पता चलेगा कि जब आप 100 को 9 से भी डिवाइड करने लगो तो समझ लेना कि आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बहुत स्लो है। ये सब चीजें ना आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है ना, इसीलिए बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट भी होता है, गर्ल्स परफेक्ट भी होता है ना। तो जस्ट ये कोटेशन था जिसको बताया गया। अच्छा अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 35 पर। यहां पर लिखा गया है कि 30% ऑफ ए सैलरी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास जो परसेंटेज दिया है उसको थोड़ा सा इससे कनेक्ट करना कि हम इसे 30% को क्या 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे कि कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल सोचो 30 हमारा है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, परसेंट। तो आपको पता है ना कि परसेंट को जब भी हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। तो यहां से एक जीरो कट जाएगा, तो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 3/10। तो इसी चीजों को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए का 30%, कहने का मतलब
हम लिख सकते हैं 3/10 बराबर होगा b के 20% का। अब आप सोच रहे हो कि 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल, अगर याद है तो अच्छी बात है और नहीं भी याद है तो आप निकाल सकते हो कि परसेंटेज का अगर सिंबल हटाते हैं तो हम नीचे क्या लगाते हैं 100, 20 से काट दो एक बार में और ये काट दोगे 5 बार में, यानी 1/5 हमारा 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। तो बोला गया है b का 20% यानी कितना 1/5 ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू ये 3/5 ऑफ b सैलरी। तो कहने का मतलब समझो कि a का 30% सैलरी का और b का 20% ऑफ 3/5 ऑफ b सैलरी, तो b के सैलरी का इतना हिस्सा दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो सिंपल ऐसा सोच के देखो ना कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना रिजल्ट दे देगा 3, और नीचे में बताओ तो 5/5 का कितना दे देगा 25, यानी ये जो आपका रिजल्ट आया पूरा इसका हम लिख सकते हैं 3/25। अब यहां पर आपको दिख रहा है बराबर का साइन है ना 3/10 और ये बराबर दिख रहा है यहां पर 3/25। अब सिंपल अगर हम यहां पर देखें तो अगर रेशियो में लाना, पहले यहां पर हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 3 जा कितना हो गया 75 और ये साइन किस चीज का था इक्वल का, और 10 3 जा कितना हो गया 30। अब आप सोच रहे होंगे कि 75 ए का हिस्सा का और बी के हिस्से का कितना 30, आपका दोनों क्या है इक्वल है, क्या इक्वल है नहीं। तो यहां पर हम बोलेंगे ये इक्वल कहने का मतलब अगर आपको इसको रेशियो में लाना है तो कुछ नहीं क्रॉस कर देना, तो यहां पर जैसे ही क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका कितना 75 और ये किस में चेंज हो जाएगा तो हम बोलेंगे रेशियो में। तो एक चीज आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि कभी भी आपको यहां पर a इक्वल b दिया हुआ है तो आपको इस a और b को रेशियो में लाना है तो कुछ मत करना, सिंपल सा क्या कर देना क्रॉस कर देना, और वो जो क्रॉस का वैल्यू होगा वो चेंज हो जाएगा किस में रेशियो में। तो आप बताओ तो यहां पर अगर हम 15 से काटे तो 15 से कितना बार में 2 times में है ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि चीजों को अच्छा से देख सको, 15 से कितने बार में 2 बार में और 15 से ये कितने बार में 5 बार में, यानी कि a का कितना वैल्यू आया रेशियो में 2 यूनिट और b का कितना यूनिट आया रेशियो में तो हम बोलेंगे 5 यूनिट। अब आपसे बोला गया है कि इफ b सैलरी इज 2400 देन व्हाट इज a सैलरी, तो आपको ये बताना है कि अगर b का सैलरी कितना है 2400 है तो b का कितना यूनिट दिख रहा है 5 यूनिट, अगर 5 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 2400 तो a का सैलरी पूछा जा रहा है तो a का कितना यूनिट यहां दिखा था 2 यूनिट, तो आपसे पूछ रहा है 2 यूनिट का वैल्यू बताओ। बहुत ही सिंपल, अगर आप यहां से देख सक रहे हो कि ये जो 5 है ये 2400 कैसे बनेगा तो इनटू कर देंगे किससे, तो 480 से, 5 × 480 करेंगे कितना आ जाएगा 2400, तो 2 यूनिट का भी वैल्यू बताओ इनटू कर देंगे किससे 480 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 960, यानी ए का सैलरी क्या था तो हम बोलेंगे 960। तो सिंपल हमारा क्वेश्चन जस्ट ये क्या था ना कि आपको इक्वल से रेशियो में कन्वर्ट करने वाले कॉन्सेप्ट से पूछा गया था ये क्वेश्चन है ना। चलो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर है ना, इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 36। देखो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया कि इन अ मार्केट सर्वे 20% ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट ए, एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें प्रोडक्ट ए का आपका पसंद करने वाले कितने परसेंट है, यहां पर देखो प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले कितने पीपल है 20% है ना।
अब यहां पर फिर देखो 60% ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट बी, यानी कि बी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले 60% है। और उसके बाद बोला गया है रिमेनिंग इंडिविजुअल्स वेयर नॉट सर्टेन, और जो रिमेनिंग है जो बचे हुए हैं उनके बारे में नहीं पता है कि प्रोडक्ट ए पसंद करते हैं या प्रोडक्ट बी, तो आप ये बताओ तो रिमेनिंग होंगे कितना परसेंट। तो आप सिंपल सा आपको स्टार्टिंग में ये बताए थे कि कभी भी परसेंटेज में टोटल का मतलब होता क्या है, 100%। अगर टोटल 100% हुआ तो ये बताइए 20% ए में 60% बी में, तो 60 और 20 कितना हो गया 80%, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, हम बोल सकते हैं ना 20% ही होगा रिमेनिंग। अब सबको जोड़ दो देखो 100% आ जाएगा। तो यहां पर बोला गया फिर आगे कि इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट बी एंड हु वेयर अनसर्टेन वाज 720, यानी कि बी प्रोडक्ट को पसंद करने वाले और जो अनसर्टेन थे यानी कि जिनके बारे में नहीं पता था, उन दोनों के बीच में डिफरेंस दे दिया है कितना, 720 का। तो सबसे पहले यहां पर ये देखो कि इन दोनों के बीच में परसेंटेज का कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में परसेंटेज का जो डिफरेंस बना वो 40%। तो 40% किसके बराबर होगा, ये दे रखा है 720 का। तो आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वेयर कवर्ड इन द सर्वे, तो इस सर्वे में कितने को कवर किया गया, यानी 100% का डेटा पूछ रहा है। तो आप ये बताओ तो यहां से अगर हम 40 से कट करें तो ये कितने बार में कट हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहां पर 18 times में, 40 × 18 करोगे यानी 14 × 80 करोगे तो कितना हो जाएगा, 720। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करेंगे, इंटू 18, यानी हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1800। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होता बी फॉर बाहुबली है ना, बी फॉर बाहुबली आंसर होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना, देखोगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 37। तो इसमें बोला गया है कि 5% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम, तो ए का कितना परसेंट, 5%, और बी का कितना परसेंट, तो हम बोलेंगे 15%, और ये दोनों क्या है, तो इक्वल है। और आपको ये चीज पता है कि इक्वल को रेशियो में कैसे लाया जाता है, सिंपल हम क्या कर देंगे, इनको क्रॉस कर देंगे, यानी कि इधर आ जाएगा 15 और यहां पर क्या आ जाएगा, 5। तो बताओ तो यहां पर हमारा ए और बी का रेशियो क्या बन गया, 3:1 का। नेक्स्ट यहां पर देखोगे बोला गया है कि 10% ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी, तो यहां पर जैसे जैसे डेटा दिया जाता है वैसे वैसे यहां लिखते चलो। तो बी का कितना परसेंट, 10% बराबर है किसका, तो सी का 20% का। तो यहां पर देखो कि कभी भी अगर बराबर है और रेशियो में लाना है क्या कर देंगे, सिंपल क्रॉस, यानी कि यहां हो जाएगा 20 और यहां हो जाएगा 10, और ये इक्वल का साइन किस में बन जाएगा, रेशियो में, है ना। तो आप देखो तो यहां से 10 से काटो एक बार में और 10 से काटो दो बार में, यानी बी और सी का रेशियो क्या बन गया, 2:1 का। अब बोला था कि इफ द इनकम ऑफ सी इज 2000, अगर सी का इनकम कितने का है, 2000 का, तो आपको बताना है इनकम ऑफ ए बी एंड सी, तीनों का इनकम पूछ दिया। तो सबसे पहले यहां पर रेशियो को मर्ज करना सीखो, यहां पर ए और बी का रेशियो क्या आया, तो हम बोलेंगे 3:1 का, बी और सी का रेशियो क्या आया, 2:1 का।
तो अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर दें कि देखो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि इस b का वैल्यू जहां दोनों जगह जो कॉमन है, कॉमन कौन था इसमें b और इधर भी कॉमन क्या दिख रहा था b, तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि जो कॉमन होगा उसका वैल्यू सेम, जो कॉमन होगा उसका वैल्यू सेम। तो इस एक को दो बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट यहां एक मेथड को यूज करते हैं जिसका नाम है जिगजैग, है ना। इसको हम बोलेंगे थ्री टू जा कितना हो गया सिक्स, टू वन जा कितना हो गया टू, और वन वन जा कितना हो गया वन। अब आप ये बताओ कि सी का इनकम दिया था तो सी का कितना यूनिट दिख रहा है इधर, वन यूनिट। तो आप यहां पर बताइए कि वन यूनिट अगर 2000 के बराबर है तो आपसे पूछा गया है ए बी और सी का, यानी टोटल का पूछा है कितना यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट। तो बताओ तो सिंपल, वन से आपको 2000 करना है कितना गुना दिख रहा है, तो आप बोलोगे 2000, तो इसका भी 2000 गुना कर दोगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18000। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता वो होता ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि इक्वल से रेशियो में कैसे लाते हैं। दूसरा चीज, जब आपने रेशियो निकाल लिया तो उसको मर्ज कैसे करना है, ये सब चीजें हमारा एकदम बेसिक रूल से ही कनेक्टेड होता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स होते क्या है ना कि ये बेसिक चीजों को प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं और फिर एग्जाम में उन्हें दिक्कत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। देन मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, 45% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब आप ये बताओ कि आपके पास किस किस सब्जेक्ट का डेटा दिया है, हिंदी का, एंड उसके बाद क्या दिया गया है, इंग्लिश का। तो हम क्या करते हैं इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं, या फिर विदाउट वेन डायग्राम भी आप बना सकते हो। तो बताओ तो हिंदी में कितना फेल हुआ है, तो यहां पर दे दिया है 35%, यानी हिंदी में हो गया फेल कितना 35%। इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, तो इंग्लिश में फेल हुआ है 45%। और दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट फेल हो गए हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं 20%। एक चीज आपको ये चीज पता होगा कि ये दोनों सर्कल जैसे यहां मीट किया, इंटरसेक्ट किया, तो इसी लाइन को हम बोलेंगे ये बोथ सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहां पर 20 लोग वो लोग होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल किए हुए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप ये बताओ कि अगर टोटल 35% हिंदी में फेल हुआ था तो 20 तो आ चुका है, तो और कितना बचा, तो और हम बोलेंगे 15। यानी ये जो सेक्शन है दोनों जोड़कर 35 आएगा, ऐसा मत कर देना कि यहां 35 लिख देना, क्योंकि ये 35 जैसे लिखोगे तो 35 और 20 कितना हो जाएगा 55, आपका डेटा रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर बताओ इंग्लिश में कितना परसेंट फेल हुआ है, 45%, तो 20% तो यहां पर पहले ही आ चुका है, तो और कितना बचा, और बोलेंगे ना 25%। अच्छा ये सब जो आपने डेटा लिखा ये डेटा किसका है, फेल स्टूडेंट का। यानी अगर हम बात करें कि टोटल कितने स्टूडेंट फेल हो गए, तो बताओ 15 प्लस 20 प्लस 25, आप जोड़ोगे तो ये हमारा कितना परसेंट फेल हो गया है, 60%। तो जब 60% फेल हो गया है तो आपसे पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट पास हुए हैं। और सिंपल सोचो ना कि हमने क्या बताया था कि टोटल मतलब कितना परसेंट होता है, 100%, और 100 में अगर ये 60 लोग फेल हो गए तो पास कितने लोग किए होंगे, सिंपल सा है कैलकुलेशन,
40% जो पर्सन होंगे, कैंडिडेट होंगे, वो क्या किए होंगे, पास कर गए होंगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस चीजों को बना सकते हो। आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 पर। देखो इसमें क्या बोला गया था कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना, 3:2। अब क्या बोला गया इसमें कि यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है, मतलब कि 20% लड़कों में से और 25% लड़कियों में से क्या है, एडल्ट है। तो अब आप सोचो, तो अगर आपको एडल्ट निकालना है तो आप आराम से 20% इसका निकाल सकते हो, किसका, 3 का। लेकिन हम थोड़ा सा यहां पर आपको चीजों को समझा रहे हैं कि अगर हमारे पास रेशियो कितना था, 3:2, आपको डेसिमल से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों डिजिट में हम यहां पर क्या पुट कर दे, 0। अब बोलोगे कि क्या आपने इसमें 0 पुट किया तो वैल्यू चेंज हो गया, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसको कट करें 10 से, कितने बार में, 3 बार में, 10 से कितने बार में, 2 बार में, तो अभी भी आपका रेशियो क्या है, 3:2। या फिर इसी को हम अगर ऐसा लिख दे 300:200, क्या ये रेशियो चेंज हो गया, तो नहीं। यहां पर भी काटोगे 100 से तो 3 बार में, और ये काटोगे तो 2 बार में, यानी रेशियो क्या बन जाएगा, 3:2। तो हम 20% जब इसका निकालेंगे तो देखेंगे डेसिमल में आएगा, तो सिंपल हम क्या कर देंगे, दोनों नंबरों में 0 पुट कर देंगे। अब बताओ तो 20% अगर निकालना है, किसका, इस 30 का, तो 20% के लिए हमने क्या बोला था, नंबर को किससे डिवाइड कर देना, 5 से, तो वो रिजल्ट किसका आएगा, 20% का। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6। अगर इसका 25% निकालना है तो 25% के लिए क्या बताए थे, नंबर को किससे डिवाइड कर देना, 4 से, एंड 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5। तो बोला गया कि अगर इस 30 बॉयज में से 6 बॉयज आपका क्या है, एडल्ट है, तो अन एडल्ट कितने होंगे बताओ। तो हम बोलेंगे ना, इसमें से 24 बॉयज अन एडल्ट हुए, गर्ल्स में अन एडल्ट कितने होंगे, 15 गर्ल्स, है ना। तो टोटल आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज बताइए उसका जो कि आपका एडल्ट नहीं है। तो आप बताओ तो 24 बॉयज और 15 गर्ल्स ये क्या है, अन एडल्ट है, यानी टोटल कितना हो गया। तो हम बोलेंगे ना 39 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि अन एडल्ट थे, लेकिन ये 39 को आपसे नंबर में नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो कितने में से ये अन एडल्ट इतने आए, तो आप बोलोगे 30 और 20 कितना हुआ, 50 में से आपका 39 अन एडल्ट। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100, 50 से काट दो, 2 बार में, यानी 39 × 2 78%, यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। देखो बाहुबली कितना बार आ रहा है ना, ऑप्शन बी मीन्स क्या, बाहुबली। तो मूव कीजिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, और ये 40 नंबर का क्वेश्चन इतना अच्छा है, ये आपका एक बार क्वेश्चंस पूछा गया था SBI क्लर्क मेंस में। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आपके मेंस के एग्जाम से उठाया गया, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन से। देखो क्या है ना क्वेश्चन, बहुत ही आराम से समझना। बोला है कि 16% इंक्रीज इन ट्रेन फेयर रिजल्टेड इन अ 6% डिक्रीज इन द पैसेंजर ट्रैफिक। अब सिंपल सा बोला गया कि ट्रेन का फेयर अगर हम 16% बढ़ा देते, यानी ये जो ट्रेन का फेयर था उसमें 16% बढ़ा देते हैं, तो जो पैसेंजर आते थे पहले वो घट जाते हैं। कितना परसेंट से घटते हैं, तो 6% से। जाहिर सी बात है, जब आप टिकट का दाम बढ़ाओगे तो पैसेंजर क्या होंगे, घट जाएंगे।
लेकिन यहां पर देखो क्या बोला गया, बहुत इंटरेस्टिंग बात, स्टिल द डेली कलेक्शन ऑफ स्टेशन इंक्रीज्ड बाय रुपीज 5424। अब सोचो उसका जो डेली का कलेक्शन था, यानी कि यहां पर हम बोले जो डेली कलेक्शन होता था उसका, वो पैसेंजर घटने से घटना चाहिए था ना, लेकिन ये बढ़ गया। तो आप सिंपल आपसे पूछा गया है कि बताओ फाइंड द डेली कलेक्शन ऑफ द स्टेशन बिफोर द इंक्रीज इन द फेयर। फेयर इंक्रीज होने से पहले आपका बताना था कलेक्शन क्या होता था। सिंपल ऐसा सोचो ना, आप कुछ भी एक डेटा रख लो कि हम मान लेते हैं कि ट्रेन का जो भाड़ा था वो कितना था, 100 रुपया। तो जब ट्रेन का फेयर 100 था, यानी टिकट का दाम 100 था, तो 100 पैसेंजर जाते थे, तो बताओ तो डेली कलेक्शन जो आएगा मेरा वो कितने का आएगा, कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल कितना कलेक्शन आता होगा, 10,000, है ना। अब बोला गया कि ट्रेन के भाड़ा में हम बढ़ा देते हैं 16%, तो अब इसका टिकट का दाम कितना हो जाएगा, 116, लेकिन पैसेंजर घट जाता है कितना परसेंट से, 6% से। तो 6% से घटना का मतलब 100 में से 6 लोग अब घट गए, तो अब पैसेंजर कितना आ रहे होंगे, 94, है ना। तो एक बार यहां पर देखोगे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, है ना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 116 × 94, तो कितना आ जाएगा देखोगे, ये हो जाएगा हमारा 10,904। अगर आप 116 को मल्टीप्लाई करोगे 94 से, तो कितना हो जाएगा, 10,904। तो आप सोचो ना ऐसा कि यहां पर भी आपका कलेक्शन बढ़ गया ना, तो आप बोलोगे 904 रुपया कलेक्शन बढ़ा, कितना में, तो जब आपका कलेक्शन कितना का था, 10,000 का, लेकिन एक्चुअल में आपका बढ़ा कितना है, देखो यहां दिया गया है 5424, यानी यहां पर एक्चुअल में बढ़ा कितना था, 5424, तब बताओ उस टाइम का कलेक्शन कितना था, है ना। तो यहां पर कुछ नहीं, सिंपल हम क्या कर देंगे, अगर यहां का डेटा चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बताओ तो 5424 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10,000 से, और डिवाइड कर देंगे किससे, 904 से, ये कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो 6 × 10,000 कितना होता है, 60,000, यानी कि हमारा जो कलेक्शन होता था आपका कितने का होता था, 60,000 का, यानी कि ये जो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वो हो जाता 60,000, है ना। चलो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 41, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 80% ऑफ एज इनकम इज 324। अब आप ये बताओ, ए के बारे में बात कर रहा है कि ए का 80% इनकम जो है वो किसके बराबर है, तो 324 के बराबर। तो इस हिसाब से क्या हम ए का टोटल इनकम निकाल सकते हैं, टोटल का मतलब क्या, 100%। 20 से काटो ना इसको 4 बार में, 20 से काटो इसको 5 बार में, 4 से आपको 324 लाने के लिए कितना गुना करना होगा, तो हम बोलेंगे 81 टाइम्स। तो 5 का भी 81 टाइम्स अगर आप करोगे, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा बताओ तो, 405, यानी ए का जो टोटल इनकम था वो था 405। अब यहां पर देखो बोला गया है कि इफ बी अर्न्स 486, और बी का अर्निंग यानी बी का इनकम दे रखा है, बी का अर्निंग कितना है, 486 का, तो आपसे और क्या पूछा है, यहां पूछा है देन बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए बाई हाउ मच परसेंट। यानी कि बी का जो इनकम आपको अधिक जो दिख रहा है वो कितना परसेंट अधिक है किससे, ए से, तो आप बताओ तो यहां पर बी कितना अधिक दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 81 अधिक दिख रहा है। किससे अधिक दिख रहा है, तो 405 से दिख रहा है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर 81 से हम कट करेंगे तो ये कितने बार में कट हो जाएगा, 5 टाइम्स में, और 5 से कट करेंगे तो ये कितने बार में कट हो जाएगा,
20 बार में, यानी कि बी का जो इनकम था वो ए से 20% अधिक था, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखोगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 50 गर्ल्स एंड 70 बॉयज हैड टू गो फॉर पिकनिक। मतलब होता है ना कि आपके स्कूल कॉलेजेस में भी आप लोग बॉयज एंड गर्ल्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं कहाँ का पिकनिक जाने का, है ना। तो उसमें यहाँ पर डिसाइड किया गया कि बॉयज कितने पिकनिक जाने वाले थे, यहाँ पर 70 बॉयज पिकनिक जाने वाले थे, और गर्ल्स कितने पिकनिक जाने वाली थी, तो यहाँ पर 50 गर्ल्स पिकनिक जाने वाली थी, है ना। थोड़ा डेटा को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, यानी कि पहले दिया गया है गर्ल्स जो कि 50 गर्ल्स पिकनिक जाने वाली थी, और बॉयज में कितना बॉयज पिकनिक जाने वाला था, 70 बॉयज। लेकिन पिकनिक के दिन क्या होता है ना, बहुत सारे आपके भी ग्रुप में मिलेंगे, पहले बोल देते हैं हाँ हाँ चलेंगे पिकनिक, लेकिन एग्जैक्ट जिस दिन जाना हो उस दिन फोन कर आपको क्या बोलते हैं, अरे मैं नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी। रीजन क्या देता है, मम्मी मारेगी, पापा डांटेंगे, है ना। तो वही चीज हुआ इसमें, बोला गया कि 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 50% ऑफ द बॉयज वेंट फॉर द पिकनिक। यानी कि गर्ल्स का कितना परसेंट केवल पिकनिक जा पाई, तो 40%। बताओ तो 40% इसका कितना होगा, बहुत सिंपल, 10% अगर माइंड में है तो 10% का वैल्यू कितना, 5। 40% पे पहुंचना है मतलब 4 गुना, यानी केवल 20 लड़कियां ही पिकनिक गई थी। अब यहाँ पर बॉयज में कितना परसेंट, 50% बॉयज का केवल पिकनिक गया, है ना। 50% में से आधा, तो 70 का आधा कितना होता है, 35। तो अब केवल ये लोग इतना पिकनिक गया, तो आपसे पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स वेंट फॉर पिकनिक। आपको एक लगभग प्रतिशत बताना है, परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट लोग आपका पिकनिक गया। तो 35 और 20 कितना होता है, तो हम बोलेंगे 55। और ये जो 55 स्टूडेंट पिकनिक गया कितने में से, 50 गर्ल्स और 70 बॉयज में से, यानी कि 120 में से। परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100, 20 से काट दोगे अगर तो 6 बार में, और ये कितने बार में, 5 बार में। अब यहाँ पर देखो आपसे लगभग परसेंटेज पूछा था, यानी कि जब आप इसको इंटू करोगे ये कितना हो जाएगा, 275, और उसका डिवाइड किससे करोगे, 6 से। तो जब 6 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार में 24, और यहाँ पर कितना बच गया, 35। तो 35 क्या आपको दिख रहा है, लगभग 6 बार में कट जाता ना, 36। तो हम बोल सकते हैं अप्रोक्स ये कितना परसेंट था, 46%, यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाता, 46%। तो आज हमारा ये क्लास 3, आज आपको यहाँ तक प्रैक्टिस करवाया गया। हर क्लास में आपको 15 से 20 क्वेश्चन अच्छे लेवल का भी आएगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आएगा। तो सबसे बड़ी बात है, हमने जो आपसे वादा किया था क्या, कि घर बैठे आप कंप्लीट मैथ सीख सकते हो, और वो भी कंप्लीट फ्री में, है ना, 1 टका भी नहीं देना होगा एकदम, मतलब फ्री में। तो ये जो हमने आपसे कमिटमेंट किया था, इसको हम एकदम अंतिम दिन तक, ये आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आपने मैथ का एक भी चैप्टर क्या छोड़ा। मैं सारे चैप्टर को पढ़ाऊंगा, चाहे वो आपका कमर्शियल हो, एडवांस हो, कोई भी, आप बैंकिंग का भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप कंप्लीट उसको केवल इस वीडियो के हेल्प से क्रैक कर सकते हो, इतना मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, और हाँ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, देखो होता क्या है ना कि हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे है ना, ऐसे ऐसे करके रील्स हटाते जाते हैं, देखते जाते हैं, लेकिन हम सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो हमारे भाषा में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब अगर नहीं कर पाएंगे तो नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा। तो अगर कुछ चीजों को हमने स्टार्ट किया फ्री में देना, तो आपको भी बस इतना काम है कि सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना, नहीं तो पता चला कि वीडियो अपलोड हुआ और आप तक पहुंचा भी नहीं, ऐसे क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।